नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का इस छोटी सी वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है 9:20 और मैं सुबह सुबह वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज का वीडियो होने वाला है आलू बैंगन करी। आलू बैंगन करी जो होता है वो खाने में टेस्टी होता है और हेल्थी भी होता है। आलू बैंगन करी बनाने के लिए हमने सरिसों का मसाला का यूज़ करेंगे और सरिस का मसाला में ज़्यादा टेस्टी लगता है आलू बैंगन करी। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स बने रहे वीडियो में। दोस्तों देखिए, मम्मी ये मशरूम तैयार कर रही है। देखिए दोस्तों, आज मैं मशरूम का रेसिपी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से एक मशरूम का वीडियो चैनल में डाल चुका हूँ, तो फ्रेंड्स आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों मशरूम तो हर टाइप का होता है, विभिन्न प्रकार का मशरूम मिलता है। मैंने जो वीडियो पिछली बार बनाया था वो है पिठोला का मशरूम का वीडियो। आज जो हम बना रहे हैं वो पिचो भानु बोलते हैं एक मशरूम का नाम, और महला एक मशरूम का नाम, वो दो मशरूम बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वो भी मैं खाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। पहले तो मैं आलू बैंगन करी का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बने रहे वीडियो में। दोस्तों देखिए, ये है पिचो भानु का मशरूम बनके तैयार हो चुका है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मोहला का मशरूम हमने गैस में चढ़ा लिए हैं। प्रोसेस सब सेम है, आप वो मशरूम का वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पे डाला हुआ है। और देखिए ये मशरूम हम पका रहे हैं, ये खाने में ज़्यादा भी टेस्टी होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मम्मी यहाँ पर आलू काट रही है। पहले हम आलू को काटेंगे, उसके बाद बैंगन को काटेंगे, बैंगन को। दोस्तों देखिए, ये हमारा आलू बैंगन कट के कट चुका है। हमने काट लिया आलू बैंगन और अभी हम इसका मसाला को तैयार करेंगे। दोस्तों देखिए, ये मोहला का मशरूम हमारा बन के तैयार हो गया है। अभी हम आलू बैंगन का जो मसाला है वो बनाएंगे, आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आलू बैंगन करी के लिए हमने मसाला में लिए हैं, ये देखिए प्याज लिए हैं और ये लाल मिर्च और जीरा लहसुन, और उसके साथ देखिए दोस्तों ये सोरिसो है, इसको हमने भिगो के रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ये मसालों को हम पीसेंगे सोरिसो के साथ। दोस्तों सोरिसो हम यहाँ पे डाल लिए हैं, अभी इसको हम अच्छे तरह से पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, ये मसाला हमने पीस चुके हैं। दोस्तों ये मसाला में हमने थोड़ा हल्दी का पाउडर डाले हैं। दोस्तों मसाला में हमने थोड़ा पानी डाल लिए हैं। दोस्तों मसाला का पानी हमने कढ़ाई में डाल लिए हैं, ये थोड़ा उबल जाएगा, उसके बाद हम आलू बैंगन को यहाँ पे डालेंगे। टमाटर पकाने से टमाटर से करी का टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हमने एक टमाटर लिए हैं। दोस्तों अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, ये स्वाद अनुसार नमक डल गया है। दोस्तों ये थोड़ा उबलेगा, उसके बाद हम आलू बैंगन और बाद में टमाटर को डालेंगे। दोस्तों देखिए ये उबल चुका है और अभी हम आलू बैंगन को यहाँ पर डालेंगे।
आलू बैंगन हमने डाल चुके हैं और एक थाली के मदद से इसको हम ओक देंगे और बीच बीच में हम उसको चेक करेंगे। दोस्तों करी को हमने थाली के मदद से एक ओढ़ दिए हैं क्योंकि थोड़ा पकेगा, हम बीच बीच में इसको भी चेक करेंगे वो पका है या नहीं। आलू तो थोड़ा पकने के लिए लेट होता है, वो हम चेक करेंगे आलू को और पकने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहे वीडियो में। दोस्तों अभी हम आलू को चेक करेंगे कि आलू पका या नहीं, चेक करना जरूरी होता है। नहीं और थोड़ी देर के लिए पकेगा ये। देखिए दोस्तों कैसे उबल रहा है। अभी हम यहाँ पे टमाटर को डाल देंगे। दोस्तों देखिए हमारा उबल चुका है, अभी हम इसको गैस से उतार लेंगे। दोस्तों देखिए ये हमारा अच्छी तरह से उबल चुका है, इसके बाद हम उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों हमने कढ़ाई में थोड़ा तेल लिए हैं, तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम जीरा को डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम प्याज डालेंगे, अच्छे तरह से इसको हम मिलाएंगे चलाएंगे, वो थोड़ा पक जाएगा उसके बाद हम जो करी बनाए हैं यहाँ पे डालेंगे। दोस्तों देखिए ये थोड़ा पक चुका है और अभी हम करी को डाल रहे हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों करी को डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह से ऐसे मिला लेना चाहिए, थोड़ा ये मिला लिए और थोड़ा सा पानी डालेंगे यहाँ पे। इसको अच्छी तरह से चलाएंगे और हमारा बैंगन आलू का करी तैयार हो गया है। दोस्तों अभी हम इसको गैस से उतार लेंगे। देखिए दोस्तों कितने सुंदर तरीके से बना गया है, हमारा करी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो दोस्तों हमारा आलू बैंगन का करी बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। हमने आपको दिखाया कि हम हमारा देसी स्टाइल में कैसे बनाते हैं आलू बैंगन का करी। ठीक है दोस्तों, वो खाने में ज्यादा टेस्टी होता है, हमारे गांव में ऐसे ही बना के खाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे, तो फ्रेंड्स बने रहे वीडियो में। तो फ्रेंड्स खाना रेडी हो गया है, ये हमारा आलू बैंगन का करी, ये ज्यादा टेस्टी है, खा के भी आपको बताऊंगा ये कैसा बना है। ठीक है दोस्तों, और ये है हमारा एक टाइप का मशरूम, मोहल्ला का मशरूम, और ये पिचो भानु बोलते हैं मशरूम, दो टाइप का मशरूम आज हम बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, और हमने लिए हैं ग्रीन चिली और थोड़ा नमक। ठीक है जी, ये हमारा फेवरेट फूड पानी भात पखाल। ठीक है दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बहुत ही बढ़िया बना भाई। आप ऐसा करिएगा, मैंने जो प्रोसेस आप वीडियो में दिखाया है आप ऐसा करिएगा और खाइएगा, आपको पता चलेगा इसका टेस्ट। मोहल्ला का छुट्टू खा दिया थोड़ा, ये मोहल्ला का छुट्टू दोस्तों। ये पिच्चो आलू, ये पिच्चो हम कर सकते हैं दोस्तों, इसको खा के देखते हैं। पिच्चो आलू छुट्टी जो है ये मोहल्ला छुट्टी ज्यादा टेस्टी होता है। Thank you.
तो दोस्तों सारा खाना हमने खा लिया है, ये बढ़िया टेस्टी था, और मशरूम भी और पखाल सारा हमने खा लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।